तो हेलो दोस्तों, फिर से आज एक नया वीडियो के साथ आप सभी को KNMG टेक चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज फिर से एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जो कि आप सभी को हम बताने वाले हैं कि कैसे टिकट बुक किया जाता है दोस्तों। जी दोस्तों, अपने मोबाइल से टिकट बुक करके जो कि आप कहीं भी सफ़र कर सकते हैं, घर बैठे बैठे मोबाइल से ही टिकट बुक कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे जो बंदे हैं कि टिकट नहीं बुक करने आता है, ना उनका जो अकाउंट बनाने आता है IRCTC का। तो दोस्तों, अगर आपको अकाउंट नहीं बनाने आता है तो उस पर कमेंट कर दीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में, तो हम उस पर भी बना देंगे वीडियो कि जो कि उसमें ID बनता है, पहले ID बनता है तभी टिकट बुक होता है दोस्तों। तो हम तो पहले से ही ID, 2-3 साल हो गया पहले से हम ID बना चुके हैं, तभी हम टिकट बुक करते हैं किसी का, फ्रेंड का, किसी दोस्त का आता है। तो दोस्तों, आज दो टिकट बनाने के लिए फ्रेंड फ़ोन किया है और पैसा भी भेज चुका है, तो उसका ही आज हम टिकट बनाएंगे, तो उन्हीं के थ्रू आपको भी सिखाएंगे कि कैसे टिकट बुक किया जाता है। तो चलिए, आज हम टिकट बुक करने के लिए सिखाएंगे और कमेंट कर दीजिएगा तो हम वो ID भी बनाने के लिए सिखा देंगे IRCTC का, कैसे अकाउंट बनता है, ID बनता है। तो चलिए दोस्तों, इसमें आपको बेनिफिट होने वाला भी है, अगर आप अपने तो टिकट बुक करेंगे ही करेंगे, लेकिन दूसरे का भी टिकट बुक करके आप 100-150 एक टिकट पे, एक टिकट बुक कीजिएगा तो 100-150 रुपया भी कमा सकते हैं, दो टिकट बुक कीजिएगा 200-300 रुपया भी कमा सकते हैं, तो इसमें बेनिफिट भी होने वाला है आप सभी को। तो चलिए, अगर आप लोगों खुद का ही बनाना है तो दोस्तों अपना जो है IRCTC का ID बनाइए, आप खुद से ही घर बैठे मोबाइल में जो है कि टिकट बुक करके कहीं भी सफर कीजिए। तो चलिए, मोबाइल स्क्रीन पर चलते आप सभी को बताते हैं कि कैसे आप सभी को टिकट बुक करना है। तो दोस्तों, एक बात और, मेरे चैनल पर नए हैं, अगर नए आए हैं मेरे चैनल पे, नए नए वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल पे, तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को एक काम कर दीजिए, जो ब्लैक वाला सब्सक्राइब वाला बटन है दोस्तों, उसको जरूर दबा दीजिए और मेरे अकाउंट से, मेरे चैनल से ज्वाइंट हो जाइए आप सब, क्योंकि ऐसा ऐसा वीडियो लेकर के आते हैं, आप लोगों को बहुत जरूरी पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब करके और लाइक बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा ताकि मेरा सबसे पहला वीडियो आप तक पहुँचे। चलिए, मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और आप सभी को बताते हैं। तो दोस्तों, IRCTC का हम जो है कि लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप लोग IRCTC का एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना ID बना करके मोबाइल टिकट भी बना सकते हैं। तो चलिए, और दोस्तों साइड में देखिएगा ध्यान से, जैसे हम करेंगे मोबाइल स्क्रीन पे वैसे ही आप सभी को भी फ्लो करना है, तभी आप लोग सीखेंगे, ध्यान से देखिएगा साइड में मोबाइल स्क्रीन पे। चलिए, मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं, आप सभी को बताते हैं। तो हेलो दोस्तों, हम मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं, अब आप सभी को बता रहे हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल में टिकट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे अगर चैनल पे नए आए हैं तो जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब टिकट बुक करने के लिए आप लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसे टिकट बुक किया जाता है, तो चलिए मोबाइल पर ध्यान दीजिएगा ध्यान से। तो दोस्तों, अगर अपने मोबाइल में वो IRCTC ऐप नहीं है दोस्तों, तो उसको सबसे पहले प्ले स्टोर में जा कर डाउनलोड कर लीजिएगा, या तो मेरे चैनल के अंदर जो है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक डाला हुआ है दोस्तों, वहां से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम जो कि IRCTC को चालू कर दे रहे हैं, अब आप सभी को सिखा रहे हैं। तो दोस्तों, हम चालू कर दिए IRCTC। तो दोस्तों, IRCTC चालू करके दोस्तों सबसे पहले आप सभी को लॉगिन करना है अपने ID को। इसमें ये देखिए, यहाँ है, ये ट्रेन वाली है, ठीक है दोस्तों, ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए लॉगिन करने वाला यहाँ है, ये ट्रेन वाली आइकन है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, तो हम लॉगिन कर ले रहे हैं अपने ID को इसमें। तो दोस्तों, मेरा ID जो है कि इसमें लॉगिन है, ठीक है। तो यहाँ पे खाली पिन डाल करके, कैप्चा डाल करके चालू कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर ही हम अपना पिन डाल ले रहे हैं। तो दोस्तों, अगर इसमें 6 पिन होता है, 4 पिन होता है, तो दोस्तों सबका अलग अलग च्वाइस है, जिसका जितना पिन होगा वो पिन डाल करके अपना जो है कि लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम अपना पिन डाल रहे हैं इसमें, तो दोस्तों डालिए, आप कैप्चा डालना है यहाँ पर ही देख रहे हैं ना, कैप्चा है, तो यहाँ पर ही कैप्चा डालना है, यहाँ पर ही पिन डालना है, ठीक है दोस्तों, हम कैप्चा डाल रहे हैं अब। तो दोस्तों, हम अंदर आ चुके हैं IRCTC के अंदर, लॉगिन कर चुके हैं।
तो अब यहाँ पर ही क्या करना है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका से आप सभी को सिखाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए ट्रेन वाली आइकन पे आप चल जाइएगा, यहाँ पर ही इस पर जा करके अपना डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम डेट सेलेक्ट करेंगे इसमें। सबसे पहले यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि जिस व्यक्ति को जाना है, जहाँ से गाड़ी पकड़ना है, जिस व्यक्ति को जहाँ से गाड़ी पकड़ना है तो वहीं का एड्रेस फॉर्म में रहेगा, वहाँ का एड्रेस फॉर्म में रहेगा। और जिस व्यक्ति को उतरना, यहाँ से गाड़ी रख के दूसरे जगह जाऊँ उतरना है, वहाँ टू में एड्रेस रहेगा, टू में। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो हमको न्यू दिल्ली से जाना है प्रयागराज, तो न्यू दिल्ली डाल चुके हैं यहाँ फॉर्म में, और प्रयागराज उतरना है तो टू में है। तो ठीक है दोस्तों, हम यहाँ डेट जो है कि चुन ले रहे हैं, यहाँ डेट आएगा, इसमें डेट आएगा दोस्तों, यहाँ से हम डेट सेलेक्ट कर ले रहे हैं। तो ये देखिए 13 जून को हम डेट कर ले रहे हैं, ठीक। तो यहाँ आप सर्च मारिएगा, यहाँ सर्चिंग बार में सर्च ट्रेन में आकर के हम सर्च कर लिए, सर्च कर लिए दोस्तों। अभी नेट स्लो चल रहा है थोड़ा। तो ये देखिए खुल चुका है। तो अब मेरा जो ट्रेन है नीचे है दोस्तों, देख रहे हैं कहाँ है, ये मेरा ट्रेन जो है कि मिल चुका है दोस्तों। ये देखिए यही ट्रेन है, प्रयागराज एक्सप्रेस 12418। ठीक है दोस्तों, तो ये नई दिल्ली से खुलेगा दोस्तों। यहाँ स्लीपर का आइकन दिख रहा है, स्लीपर पे आप चेक कर ले रहे हैं खाली है कि नहीं। तो हम स्लीपर पे चल जा रहे हैं, स्लीपर में जो है कि टिकट खाली है दोस्तों। अगर टिकट खाली नहीं रहेगा तो रेड कलर का दिखेगा दोस्तों, ठीक है, या तो वेटिंग दिखेगा WL। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ स्लीपर पे सेट कर दिए हैं। अब यहाँ पैसेंजर जो है, देखिए यहाँ पैसा भी दिख रहा है, ये 390 रुपये का टिकट है एक व्यक्ति का। तो चलिए हम पैसेंजर डिटेल्स भर दे रहे हैं यहाँ। चलिए यहाँ हम जो है कि ऐड कर ले रहे हैं, आपको ऐड न्यू पे चल जाना है दोस्तों। यहाँ से ऐड पैसेंजर का नाम डिटेल ही सब भरना है, ऐड न्यू पे। ठीक है दोस्तों, तो ऐड न्यू कर दे रहे हैं। ऐड न्यू पर जा करके दोस्तों यहाँ पहले अपना नाम डाल दीजिएगा, यहाँ नाम देखिए, यहाँ जो कि नाम डलाएगा, यहाँ एज डलाएगा, कितने साल के है लड़का हो या लड़की हो, यहाँ फीमेल और मेल डलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ ही रहे होंगे। यहाँ लोअर है, यहाँ देखिए लोअर है, कौन सा लोअर में जा सकते हैं, ऊपर में, मीडियम में, नीचे, सबसे यहाँ चूज करके भर सकते हैं। तो चलिए हम अपना सबसे पहले नाम डाल दे रहे हैं यहाँ, ठीक है, तो नाम डाल दे रहे हैं SH शबनम। हम नाम डाल दिए शबनम बनो, ये डाल दे रहे हैं 28, ठीक है, मेल फीमेल ये कर दिए दोस्तों, यहाँ लोअर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप देख ही लिए, यहाँ ऐड पैसेंजर कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अगर एक व्यक्ति का अगर टिकट बनाना है दोस्तों, तो यहीं से डायरेक्ट रिव्यू जर्नी पे डिटेल्स कर सकते हैं। अगर एक दो व्यक्ति का बनाना है तो दोस्तों ऐड न्यू पे फिर से वही फार्म भर देना है, फिर से वापसी फिर भर दे रहे हैं हम। एक और का बनाना है, दो आदमी का बनाना है, तो यहाँ देखिए अयान अहमद, अयान अहमद 22 मेल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी हो गया लोअर। तो नेशनलिटी इंडिया ही रखिएगा, तो इंडिया में बना रहे हैं इसीलिए। तो यहाँ ऐड पैसेंजर अब कर दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ऐड पैसेंजर कर दिए। अब यहाँ आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं, अगर डिलीट मारना तो यहाँ देखिए साइड में डिलीट का भी ऑप्शन दिख रहा है, देखिए यहाँ एक बार चेक कर लीजिएगा अपना। तो यहाँ हम डाल दिए शबनम बनो 28 फीमेल लोअर, अयान अहमद 22 मेल लोअर, ठीक 22 ईयर से। तो यहाँ जर्नली पे कर दे रहे हैं, जर्नली
अब यहाँ पर आपको पहले यहाँ आपको जो है दोस्तों, एक मिनट पीछे जाना पड़ेगा दोस्तों हमको। यहाँ पर ही मोबाइल नंबर भर दीजिएगा, जिस व्यक्ति का टिकट बना रहे हैं उसका यहाँ मोबाइल नंबर भर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ताकि मैसेज चल जाए। तो मोबाइल नंबर भर दे रहे हैं, तो मोबाइल नंबर भर दिए दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर ही कंडीशन फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, बुक ओनली कंफर्म, तो बुक ओनली कंफर्म बर्थ आर लोकेट कर दीजिएगा, बुक ओनली कंफर्म, ठीक है दोस्तों। यहाँ पेटीएम में ये सब मांग रहा है, तो ठीक है ऊपर ही रहने दीजिए, इस पर कर दीजिएगा, GST 10 पे कर दीजिएगा। यहाँ इंश्योरेंस देखिए, इंश्योरेंस लिख रहा है तो यस मत कीजिएगा, नो पे कर दीजिएगा, नो आई डू नॉट वांट ट्रेवल इंश्योरेंस, नो कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम नो कर दिए, इंश्योरेंस नहीं लेना है। ऐसे इंश्योरेंस लीजिएगा तो ज़्यादा पैसा काट लेगा दोस्तों। तो हम जर्नली कर दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है कि कैप्चा भर देना है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर कैप्चा भर देना है, तो TFGQLG, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया, कैप्चा भर दिए। अब कैप्चा के साथ यहाँ प्रोसीड टू पे कर दीजिएगा, ठीक है, यस कर दीजिएगा। यहाँ पेटीएम है दोस्तों, तो पेटीएम कर देना है तो पेटीएम कर दीजिएगा, ठीक है, इस पर हम दबा दे रहे हैं। यहाँ देखिए OTP गिरेगा दोस्तों, OTP यहाँ भर देना है कॉपी करके, ठीक है दोस्तों, हम भर दिए। और यहाँ पर ही वेरीफाई कर दीजिए। अब यहाँ प्रोसीड, ठीक है दोस्तों, प्रोसीड कर दे रहे हैं, प्रोसीड कर दिए। यहाँ देखिए अब जो है कि पैसा काटेगा 4 मिनट में, जो कि टिकट कंफर्म हो जाए दोस्तों। 791 रुपये का जो है कि टिकट है, आप देख ही रहे हैं। तो दोस्तों उसमें जो है कि पेमेंट नहीं हो पा रहा है मल्टी पेमेंट ऑप्शन में, तो हेलो दोस्तों, वहां से जो है कि पेमेंट नहीं हो रहा था, तो यहां से हम जो कि डेबिट कार्ड से कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो डेबिट कार्ड से आप लोग जो कि IRCTC में टिकट बुक कर सकते हैं डेबिट कार्ड से, तो पेटीएम से नहीं ले रहा था दोस्तों। तो यहाँ देखिए हम कॉपी कर लें, अब यहाँ पेस्ट करना है हमको, ठीक है दोस्तों, पेस्ट कर दिए। यहाँ मेक पेमेंट हो कर दीजिए, जो कि डन हो गया। अब यहाँ ट्रांजेक्शन हो रहा है दोस्तों, टिकट कंफर्म हो जाएगा यहाँ से। तो ये देखिए टिकट जो है कि बुक हो गया दोस्तों, टिकट बुक हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए जो शो कर गया, देख ही रहे हैं, टिकट जो है कि शो कर गया। हम यहाँ आपको बायोडाटा पूरा दिखा दे रहे हैं, 10:10 में है दोस्तों, मतलब कि रात में है 10:10 में, 13 जुलाई न्यू दिल्ली एंडिलियस, यहाँ 7 बजे पहुँचेगा प्रयागराज 14 जुलाई को, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए समनम 1928 ईयर से कन्फर्म 6S650MB S6 में 50 नंबर सीट है, एमी मीडियम में मिला है दोस्तों। और यहाँ आयान अहमद 22 जो ईयर्स है, ये सब आप देख ही रहे हैं, आप समझ गए होंगे कि कैसे टिकट बुक करना है। तो यहाँ टिकट बन के रेडी हो चुका है दोस्तों, आप सभी को दिखा दिए ऐसे करना है। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा, जो भी बुझाए।
तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।